बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है मैं आप सब ठीक होंगे। मैं सदफ़ मसूद फिर एक आज नए छोटे से व्लॉग के साथ हाज़िर हूँ। जैसा कि आपको पता है कि लास्ट वीडियो जो मिली थी वो शाह फैसल मस्जिद की थी, तो जिस दिन हम लोग शाह फैसल मस्जिद गए तो उसके ही सामने थोड़ा सा डिस्टेंस पर 10-15 मिनट की ड्राइव के बाद दामने को आ गया था, तो हम लोग ने इसको भी देखने गए थे। और यहाँ पर जैसे इंटर हुए तो बहुत अच्छे स्टॉल्स लगे हुए थे खाने पीने के, और जिसे कहते हैं ज्वेलरी वगैरह, बैग्स वगैरह, बहुत ज़्यादा अच्छे स्टॉल थे। हमने इसको देखा, यहाँ से कुछ चीज़ें ली, खाया पिया, और इसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा ये प्ले लैंड था बच्चों के लिए, तो इसमें ना जो छोटे बच्चे थे ये लोग झूल झाल कर इंजॉय कर रहे थे। सबसे अच्छी बात मुझे यहाँ की ये लगी कि यहाँ का जो ये इस टाइम का जो व्यू था वो बहुत ही खूबसूरत था। यहाँ की लाइटिंग आप देख सकते हैं, जैसे जैसे लाइट्स अंधेरा होता गया लाइट्स चलती रहीं, बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं खूबसूरत लगने लगा ये दामने को। और हमने तो बहुत इंजॉय करा, सर्दी थी, अच्छा मौसम था, पहाड़ के ऊपर था। और इधर आप ये देख सकते हैं कि एक एक लाइट का व्यू बहुत हसीन था। ये कोई बैठा हुआ था वो इतना अच्छा ये सांस जो है वो बजा रहा था, लेकिन इसने वीडियो हमें बनाने नहीं दी, और जितना समय से वीडियो शूट कर सकी बस। और लोग इसको भी पैसे ऐसे दे रहे थे, इससे सुन रहे थे इसका ये सांस जो था। और इसके साथ ही फिर मेरे बच्चों ने थोड़ी सी हाउस राइडिंग करी, लेकिन इनको मज़ा नहीं आया। उसने छोटा सा चक्कर लगा के रात का टाइम तो बच्चों को वो कर दिया, तो खैर है, चले इन लोग का शौक़ पूरा हुआ बच्चों का। और आप बस ये देखें पेड़ों में जो इन्होंने लाइटिंग करी, इससे इतने हसीन पेड़, इतने अच्छे व्यूज़ लग रहे थे कि हमने बहुत अच्छे जिसे कहते हैं इसकी फ़ोटोग्राफी करी, बहुत अच्छे हमें मज़ा आया। देखें पीछे के कितना अच्छी इसकी लाइटिंग, कितना अच्छा व्यू था। और सबसे ज़्यादा यहाँ का जो ऊपर का ये सीन था जहाँ से पूरा इस्लामाबाद नज़र आता है, ये बहुत अच्छा था। यहाँ की बहुत खुशसुकून, बहुत मज़ा आया हमें, इधर बैठे ले जा रहा था इधर बैठे हुए। इसके बाद हम फिर यहाँ का एक और मशहूर जगह जहाँ पर सेवर खाने का था, और यहाँ पर खाने को एंजॉय करा। यहाँ पर एक प्लेटर होता है, बहुत चीज़ें मिलती हैं, लेकिन प्लेटर यहाँ का बहुत मशहूर है। ये पुलाव था, इसके अंदर दो शाही कबाब थे, एक चिकन का पीस जो कि जिसे कहते हैं लक होती जिसको जो भी मिल जाए, और उसके साथ दाल का सलाद, रायता भी बहुत ज़्यादा टेस्टी था, बिल्कुल अच्छा एकदम ठीक सा। और इसके राइस जो कि मुझे तो बहुत पसंद आए, बहुत अच्छा टेस्ट था यहाँ के पुलाव का, जिसे कहते हैं चिकन की रोटी में जो था टेस्ट था, और मुझे हर चीज़ बहुत अच्छी लगी। चावल कबाब भी अच्छे टेस्टी थे, मैंने बहुत इंजॉय करा, सबने बहुत अच्छे खाना वाना खाया, और बहुत ज़्यादा एक रश था वेटिंग पर रहना पड़ता है, बहुत ज़्यादा एक वक्त में खैर हमने बहुत इंजॉय करा, बहुत खाया। अगर आपको मेरा छोटा सा ब्लॉग पसंद आया तो उसे लाइक करिएगा, कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगर मेरी वीडियो मुझे इजाज़त दें ताकि